Can I give an example? Oh, give an example of a relation. एग्जाम्पल तो एक रिलेशन का विच इज सिमेट्रिक नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांस. अरे कैसे मर्जी बना लो. एग्जाम्पल दो भैया, यानी एक क्वेश्चन बनाओ, खुद एक क्वेश्चन बनाओ जो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव ना हो और ट्रांजिटिव ना हो. चलो ठीक है, एक सेट ए ले लेते हैं, 1 2 3, यस और नो. ए का ए के साथ कार्टिजन प्रोडक्ट करोगे, बहुत सारे जोड़े आएंगे. कितने जोड़े आएंगे? 9. कितने आएंगे? 9 आएंगे ना. तो ए का ए के साथ कार्टिजन प्रोडक्ट करोगे, ये करना नहीं है, मैं तो ऐसे ही टाइम पास. तो 1 2 3 का कार्टिजन प्रोडक्ट इसका करोगे तो क्या आएगा? 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, एंड 2 3 आएगा, एंड 3 1 आएगा, एंड 3 2 आएगा, और 3 3 आएगा. ये लो, ये आ गया ए क्रॉस ए. अब कहते हैं इसमें से सबसेट निकालो, वो सबसेट रिलेशन होगा, लेकिन आपको इस बात को मद्देनजर रखते हुए सबसेट निकालना है, यानी रिलेशन निकालना है जो पहला किस कौन सी क्वालिटी को होल्ड करे, सिमेट्रिक हो. इसका मतलब जो भी जोड़ा लो उसका उल्टा पुल्टा भी लेना. अरे हाँ यार ना, जो भी जोड़ा लो उसका उल्टा पुल्टा भी लेना. ठीक है भाई, तो सिमेट्रिक हो जाएगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना उसको. इसका मतलब जितने भी एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं उनके उनके साथ जोड़े मत लेना. अरे हाँ या ना. और ट्रांजिटिव नहीं दिखाना, तो ऐसे जोड़ा लेना कि जिसके अंदर एक एलिमेंट कॉमन होने के बाद भी ए सी बिलोंग ना करे. चलो बताओ, एक रिलेशन निकाल रहा हूं फर्स्ट वाले के लिए, रिलेशन 1 निकाल लेते हैं. निकाल ले तो बताओ क्या ये सही है? 1 2 2 1, बस बहुत है इतना ही. हाँ या ना, बताओ क्या ये रिलेशन निकाला? सबसेट है तो रिलेशन है. क्या सिमेट्रिक है? क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है? जितने भी एलिमेंट कहाँ बिलोंग करते हैं? ए में उनके उन्हीं के साथ जोड़े कहाँ बिलोंग करने चाहिए? आर में. तो 1 बिलोंग करता है, 1 1 नहीं है. 2 बिलोंग करता है, 2 2 नहीं है. तो रिफ्लेक्सिव नहीं, ट्रांजिटिव है. ये कॉमन एलिमेंट हो गया, ये क्या हो गया? कॉमन एलिमेंट. तो ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है, तो 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए इसके अंदर. तो 1 1 बिलोंग इसके अंदर नहीं करता, तो ट्रांजिटिव नहीं है. तो ये पहले वाले पार्ट का एग्जाम्पल हमने दे दिया. दूसरे पार्ट के लिए खुद सोचो एग्जाम्पल. चलो अपने आप सोचो, अगर ये लग रहा है क्वेश्चन, अगर ये सीख गए ना घुस के, तो कैसा मर्जी क्वेश्चन बना ले पेपर में, आपको दिक्कत नहीं होगी. बनाओ. अब ऐसा कि ट्रांजिटिव हो, नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ना हो, नॉर सिमेट्रिक ना हो. अरे बनाओ, अपने अपना बनाओ. चलो बनाओ. सेकंड क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए. कितने सारे बना सकते हो? क्या 2 2 और ट्रांजिटिव होना चाहिए? हाँ ठीक है ना, 2 3 होना चाहिए. तो बताओ क्या ये ट्रांजिटिव है? 2 2 करता है, ये कॉमन एलिमेंट हो गया, तो 2 3 2 3 करता है, ट्रांजिटिव है. क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ना ना ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है. अब कोई बोलेगा 2 बिलोंग करता है, 2 का 2 के साथ जोड़ा बिलोंग करता है. अरे रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? जितने भी एलिमेंट ए में बिलोंग करते हैं उनके उन्हीं के साथ जोड़े, सबके जोड़े बिलोंग करने चाहिए. तो एक ही जोड़ा होने से तो नहीं होता ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. और सिमेट्रिक है क्या? 2 2 करता है, इसका उल्टा 2 2. हाँ है. 2 2 करता है, इसका उल्टा 2 2. हाँ है. 2 3 करता है, इसका उल्टा 3 2. नहीं है. अगर एक भी जोड़े का उल्टा पुल्टा नहीं है तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं है. तो ये हो गया किसका? एग्जाम्पल सेकंड का. थर्ड का सोचो, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड सिमेट्रिक होना चाहिए, बट नॉट ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए. चलो बताओ. चलो एक बात पूछता हूं, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे. ठीक है, बताना. जिसने बता दिया ना, मैं मान जाऊंगा कि कुछ तो बात है. रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, 1 1 2 2 और 3 3. ठीक है, और क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक हो, इसके उल्टे पुल्टे हो ही गए. 1 1 करता है, इसका उल्टा करता है. सिमेट्रिक. ट्रांजिटिव, बस इतना ही बनाया मैंने. बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्या ये सिमेट्रिक है? जितने भी जोड़े हैं उसके उल्टे पुल्टे बिलोंग करते हैं. 1 1 करता है, उसका उल्टा क्या? 1 1 करता है. 2 2 करता है, उसका उल्टा क्या? 2 2 करता है. क्या ये ट्रांजिटिव है? Yeah, yes, sir.
क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव है ये, क्यों है याद है कुछ? इसके अंदर आपको दो जोड़े ऐसे मिले नहीं जिसमें एक एलिमेंट कॉमन है, तो इसका मतलब पी नहीं मिल रहा। हाइपोथेसिस इज नॉट गिवन देन कंक्लूजन इज ऑलवेज, तो ये ट्रांजिटिव भी तो इक्विवेलेंस हो गया। समझ में आ रही है बात भाई? लेकिन मुझे तो ऐसा बताना जो ट्रांजिटिव ना हो। अभी कुछ लोगों को ये बात समझ में आई होगी जो मैंने बोला, और कुछ लोगों को ऊपर चली गई होगी। ऊपर चले गई तो वीडियो देख लेना, उसमें सारा है दोबारा बता रखा है, समझ गए तुम। चलो अब बताओ, इसको ट्रांजिटिव नहीं दिखाना मुझे तो क्या करूं, बोलो। अरे बोल दो, इसको मुझे ट्रांजिटिव नहीं बताना, इसको हटाना ना। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो एक कॉमन एलिमेंट ले लेते हैं, चलो थ्री ले लूं, और साथ में क्या ले लूं, वन ले लूं। हाँ तो हो गया, टू ले लूं, थ्री कॉमन, थ्री टू बिलोंग करता है, ऐसे कैसे? तो देना है एग्जाम्पल, ऐसा है बहुत सारे एग्जाम्पल। वन टू ले लूं, अच्छा कौन सा केस है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। देखो इसका क्या लिखा उसने एग्जांपल पीछे बुक में दे रखा एग्जांपल। आंसर ही नहीं दे रखा। क्या लिखा है? आंसर ही नहीं दे रखा। कुछ लिखा नहीं आंसर, क्योंकि अपने अपने क्वेश्चन लिखने। अच्छा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो एक कॉमन एलिमेंट ले लिया तो ट्रांजिटिव हो ही जाएगा ये तो। नहीं होगा तो होगा, क्वेश्चन दे रखा तो। इसको उल्टे भी डाल देते हैं, देखो भाई हो गया। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, उल्टे बुलटे सबके हैं, डाल दिए मैंने उल्टे बुलटे। ट्रांजिटिव है, ये कॉमन एलिमेंट, टू वन ये करता है, ये करता है, लेकिन टू वन बिलोंग नहीं करता। क्लियर है भाई? बनेगा जब दे रखा है क्वेश्चन तो बनेगा, हम नहीं सोच पाए तो हम वो है। क्लियर है भाई? इसके बाद क्या है? रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव हो ट्रांजिटिव हो मगर सिमेट्रिक, खुद लिखो अपने आप। अरे जो पेपर का लेवल हो रहा है ना बच्चों, ये ही गणित आ रहा है, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्चुअल। जिसको सच्ची में आता होगा वही कर पाएगा, जिसको कॉन्सेप्ट ही नहीं आते बस, तो वो तो फिर तो ऊपर से ही निकलेगा, उसके घुस के पढ़ना पड़ेगा, घुस के। चलो भाई फोर्थ का एग्जाम्पल बताना है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए तो तीन एलिमेंट तो आपको पता है डालने हैं, वन वन, टू टू और क्या, थ्री थ्री। अब और ट्रांजिटिव होना चाहिए तो यही वाला लिख देता हूं, इसी को बढ़ा दूंगा।
लेकिन सिमेट्रिक, तो एक एलिमेंट और घुसा दो, उल्टा पुल्टा ना डालो उसका। अरे हाँ या ना, तो यही सेम एग्जाम्पल लिख देते हैं और बस, क्योंकि रिफ्लेक्सिव चाहिए, ट्रांजिटिव चाहिए, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव ये ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा रिफ्लेक्सिव चाहिए और ट्रांजिटिव चाहिए, अच्छा चाहिए चाहिए तो ठीक है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं चाहिए, तो बनाते हैं, बनाना पड़ेगा। तो वन वन टू टू थ्री थ्री, ये तो डालने ही पड़ेंगे, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या सिमेट्रिक हो गया? ये तो सिमेट्रिक हो गया, लेकिन और ट्रांजिटिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, तो एक कॉमन एलिमेंट डाल देते हैं, थ्री वन वन थ्री थ्री वन। अच्छा बताओ रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, एक कॉमन एलिमेंट थ्री वन, थ्री वन बिलोंग करता है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, इन सबके उल्टे हैं, लेकिन इसका उल्टा मौजूद नहीं है। क्लियर है भाई? होगी और क्या बोलो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो मगर रिफ्लेक्सिव ना हो। चलो बता दो। अरे बता दो भैया, सिमेट्रिक चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं चाहिए, तो भूल जाओ इस बराबर बराबर वाले को, तो सिमेट्रिक चाहिए, वन टू टू वन ले लेते हैं, ठीक है भैया। लेकिन गड़बड़ क्या हो गई कि वन टू टू वन और ये वन वन भी डाल दो इसके अंदर, वन वन डाल दो, तो बोलो क्या हुआ, वन वन टू वन है, तो बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, वन टू टू वन, इसका उल्टा मौजूद है, इसका उल्टा यही है, है सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये कॉमन एलिमेंट वन वन बिलोंग करता है, या इधर से ये कॉमन तो टू वन, टू वन करता है, ट्रांजिटिव। क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर है भाई?